की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में मची और ये सिलसिला अब भी जारी है, जिसके बाद एक बार फिर चीन पर ट्रंप का गुस्सा फूटा है। अमेरिका शुरू से ही चीन पर दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन चीन WHO के आड़ में अपने गुनाह को छुपाता रहा। ट्रेड वॉर के बीच वायरस की वजह से अमेरिका चीन में तनातनी बढ़ गई है। दुनिया का सुपर पावर परेशान है, वायरस से नहीं थम रही है तबाही। चीनी वायरस से अमेरिका में बर्बादी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से 27 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, यानी दुनिया के करीब 1/4 संक्रमित लोग अमेरिका में ही हैं। वहीं 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खतरे के इसी संकट से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हैं। चीन के खिलाफ उनके गुस्से का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जैसे जैसे मैं पूरी दुनिया में महामारी का विकराल रूप फैलते देख रहा हूं, जिसमें अमेरिका को महामारी से हुई भारी क्षति भी शामिल है, वैसे वैसे चीन के खिलाफ मेरा गुस्सा बढ़ता जाता है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के लिए ट्रंप बीजिंग को लगातार दोषी ठहराते रहे हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर के बीच कोरोना वायरस की महामारी ने तनाव और बढ़ा दिया। हालांकि चीन ने ट्रंप प्रशासन पर महामारी का राजनीतिकरण करने का आरोप मढ़ दिया। अमेरिका अपने यहां फैली महामारी को नहीं संभाल पाने की वजह से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से रिश्ते तोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप लगातार चीन पर हमले करते रहे हैं। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. वायरस से मची तबाही के बीच ही ट्रंप ने WHO से रिश्ते तोड़ डाले। लगातार WHO की नीतियों को इस वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार बताया। ट्रंप का मानना था कि WHO ने दुनिया से इस बात को छुपाया कि चीन से पूरी दुनिया में वायरस फैला। It's coming in and I'm getting pieces already and we're not happy about it and we are by far the largest contributor to WHO, World Health, and they misled us. I don't know. They must have known more than they knew because they came after what other people knew that weren't even involved. We knew things that they didn't know and either they didn't know or they didn't tell us or, you know, right now they're literally a pipe organ for China. अमेरिका और चीन की तलखी में वायरस ने आग में घी का काम किया है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया चीन के झूठ से परेशान है। अगर वक्त रहते चीन दुनिया को इत्तला कर दिया होता, कोरोना वायरस के बारे में बता दिया होता, तो शायद पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। लेकिन इस तबाही का खामियाजा चीन को भुगतना होगा, उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।